उद्योग संघ के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, अजमेर डिस्कॉम में विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने को लेकर दिया ज्ञापन, कड़ी जमकर नारेबाजी। राजस्थान राज्य माइनर मिनरल उद्योग संघ जो कि राजस्थान के 10 जिलों में फैले फेल्सपार के 3000 ग्राइंडिंग उद्योग संघ के उसके तत्वधान में आज अजमेर विद्युत विभाग में इस माध्यम से ज्ञापन देने आए, क्योंकि इनका कहना है कि ये विद्युत के सबसे बड़े खरीदार हैं। इनकी 5 साल से ये मांग है कि फेल्सपार गिट्टी दाना चिप्स के रूप में राजस्थान के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस मामले में संघ विद्युत कनेक्शन विच्छेद कराने की मांग बड़े अधिकारियों के सामने रखी गई, जिस पे इन्हें आश्वासन तो मिला लेकिन इस मांग पर क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिसको लेकर संघ में रोष व्याप्त है। इसलिए आज अजमेर डिस्कॉम में ज्ञापन देकर मांग करी है कि इस मामले में आगे बात करी जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए। अगर 5 दिन में मांग मानी नहीं गई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ जो कि राजस्थान के 10 जिलों में फैले फेल्सपार के करीब 3000 ग्राइंडिंग उद्योगों का प्रदेश स्तरीय संगठन है, उसके बैनर तले सीकर से लगाकर डूंगरपुर तक के 50 विधानसभा क्षेत्रों में फैले इस उद्योग के प्रतिनिधिगण अजमेर विद्युत विभाग से इस आशा के साथ ज्ञापन देना है कि इनके माध्यम से, चूंकि हम इनके सबसे बड़े खरीदार हैं विद्युत के, और हमारे जो खरीदार हैं वो किसी कारण से हमारा माल नहीं बिक रहा है, तो उसके पीछे जो प्रमुख कारण था कि राजस्थान में जो कच्चा खनिज निकलता है फेल्सपार, जिसकी 5 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसके कच्चे खनिज को राजस्थान सरकार गिट्टी लम्स खंडे व दाना के रूप में बाहर न जाने दे। सरकार ने अभी हमने 30 जुलाई को माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय से हमने भेंट की थी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने राज्य की प्रधान सचिव खान अपर्णा जी से बात की हमारे सामने और हमें ये आश्वस्त किया कि आपकी मांग हमने मान ली है और इस पर शीघ्र ही आदेश जारी होगा। तो हम उस दिन ही विद्युत संबंध विच्छेद कराने के लिए वहाँ गए थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया तो हम लोग रुक गए। उसके बाद में 2 अगस्त को माननीय खान राज्य मंत्री श्रीमान सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी ने हमारी ये मांग मांगने की घोषणा कर दी। उसके बाद में करीब ये 40-50 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमारी मांग के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे हम सब निराशा में हैं और लोगों में हताशा फैल गई। तो हमने कहा कि हम वापस अजमेर विद्युत वितरण निगम चले और इनको रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे विद्युत संबंध स्वेच्छा से काट दीजिए और हमारी मांग को आगे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। साथ ही हमने ये भी निवेदन किया कि सरकार तक हमारी ये सरकार के अंग है, तो सरकार ने अगर 5 दिनों में हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो हम देश के अंदर जहाँ जहाँ राजस्थान के अंदर गौरव यात्रा निकल रही है हम सब जगह शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हमारी मांग पूरी करवाने की भरसक कोशिश करेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, संयोजक राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ। उद्योग संघ के व्यापारियों से आपसे बात हुई है, वार्ता हुई है, काफी लंबी वार्ता हुई है, किस तरह का इनकी डिमांड है और किस तरह की नहीं, उनकी जो डिमांड है वो उनका संबंध अजमेर डिस्कॉम से नहीं है, परंतु उनका ये कहना है कि हमारी डिमांड चूँकि अभी तक आश्वासन के बावजूद भी पूरी नहीं हुई है और हमारी फैक्ट्री में जो कच्चा माल हमें मिलना चाहिए वो कच्चा माल हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे सामूहिक रूप से वो कनेक्शन कटवाने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। मूल रूप से फेल्सपार जो पाउडर की फैक्ट्रीज हैं जो स्मॉल एंड मीडियम श्रेणी की है वो हमारे करीबन 8 जिलों में फैली हुई है और ये 3000 के आसपास दिखाई है, तो काफ़ी संख्या में लोग करीबन 700-800 की संख्या में यहाँ पर आज अजमेर ये लोग आए हैं। हमारे से इनका केवल आज यही इंट्रेक्शन था कि हमारे कनेक्शन काट दिए हैं, तो मैंने सभी से ये निवेदन किया है कि कनेक्शन काटना कोई समस्या का समाधान नहीं है और कनेक्शन काटने से न केवल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नुकसान होगा बल्कि वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके परिवारों को भी नुकसान होगा और अल्टीमेटली डिस्कॉम को भी नुकसान होगा। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की, मेरी रिक्वेस्ट को सब ने सुना और माना है और वो अपनी जो एप्लीकेशन जो करेक्शन काटने की थी वो वापस साथ लेकर गए हैं और उनकी जैसे ही गवर्नमेंट से जो वार्ता होती है, मैंने इस संबंध में जो नवीन महाजन साहब हैं उनसे भी टेलीफोन पर वार्ता की है, उन्होंने भी इनको कल 11 बजे का टाइम दिया, बुलाया है बात करने के लिए, तो निश्चित रूप से कोई कोई समाधान मैं आशा करता हूँ कि समाधान निकलेगा जिससे न केवल इंडस्ट्री बचे बल्कि अजमेर डिस्कॉम के भी एक बहुत वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं उनसे हमें हाथ नहीं धोना।